इतने कॉल्स, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस जो आए हैं, सो ऑब्वियसली ओवरवेल्मिंग है। मैं तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। नहीं, रैंक वन का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था, जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक टू आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो, एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो। डियर स्टूडेंट्स, आइए कंटिन्यू करते हैं। बिजनेस इज रिगार्डेड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। पैसा कमाने का एक्टिविटी है बिजनेस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। ठीक है, पैसा कमाना है, प्रॉफिट करना है। 100 रुपये का चीज़ है अगर है तो 120 में बेचना है या 101 में बेचना है। बिजनेस एक्टिविटीज रिक्वायर यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज लाइक कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल्स एटसेट्रा। ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट को मर्ज किया जा रहा है, यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज स्केर्स होता है, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आप इसको कोरिलेट कर लीजिएगा। बिजनेस एक्टिविटीज सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ बिजनेसमैन एंड देयर फैमिलीज बाय जनरेटिंग इनकम। भाई जो भी बिजनेसमैन है, इनकम से खुद भी मजा करेगा, अपने परिवार को भी मजा कराएगा। सही बात है एकदम। बिजनेस एक्टिविटीज ऑल्सो सेटिस्फाई वेरियस नीड्स ऑफ जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक का नीड कैसे? अरे गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, सर्विसेज मिल रहा है जनरल पब्लिक को, बाय मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू पीपल। तो वही सेम टू सेम बात है। अब आइए बात करते हैं प्रोफेशन का। प्रोफेशन द टर्म प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन which involves application of specialized knowledge. ठीक है, specialized knowledge is the first keyword दोस्तों। ठीक है, and skills to earn a living. The person who are engaged in profession are called professionals. They render मतलब they give, they render personal services of a specialized nature. अब मेरे को बुखार है, डॉक्टर का जो सर्विस है वो स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, ये नहीं कि कोई भी बता सकता, कोई भी नहीं, डॉक्टर ही बताएगा।
ठीक है, इंजीनियरिंग का सर्विसेज कोई भी नहीं, इंजीनियर ही बताएगा, तो स्पेशलाइज्ड नेचर टू देयर क्लाइंट्स. द सर्विस इज बेस्ड ऑन प्रोफेशनल एजुकेशन, राइट, उनको पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है और एक्सपीरियंस भी होता है. तो अगेन द कीवर्ड इज प्रोफेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. प्रोफेशनल्स रिसीव फी फॉर देयर सर्विसेज. वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, फी. बोले तो भैया पैसा, ठीक है, मनी, बट टेक्निकल वर्ड इज फी फॉर द सर्विसेज. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मेडिसिन, लॉ, टैक्स कंसल्टेंसी आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोफेशंस. ठीक है जी. द मेन फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन आर एज फॉलोज. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. अब ये बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब ह्यूमन बॉडी का बात नहीं हो रहा, ठीक है, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. एवरी प्रोफेशन हैज अ स्पेशलाइज्ड एंड सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब एक सिस्टमैटिक नॉलेज है. मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशन आर रिक्वायर्ड टू लर्न दिस नॉलेज. अब अगर मेडिकल डॉक्टर बनना है तो इट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज, आपको वो सीखना होता है और फॉर्मल ट्रेनिंग होता है इसका. अ प्रोफेशन प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू दोज हु वांट टू अक्वायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. क्या सब कोई डॉक्टर बन सकते हैं, नहीं जी. क्या सब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, नहीं जी. रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, कौन बन सकता है, जैसे उनका एग्जाम होता है, वो सब एग्जाम क्लियर करो, सारे रूल्स को फॉलो करो, तभी एंट्री टू अ प्रोफेशन इज अलाउड ओनली टू दोज हु हैव कंप्लीटेड द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन. अब आपको अगर सीए बनना है आगे चल के, तो सीए का फर्स्ट लेवल होता है सीए फाउंडेशन का एग्जाम, फिर सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम, फिर सीए फाइनल का एग्जाम, फिर और भी दो तीन छोटे छोटे प्रोसेस है वो फॉलो करने पड़ते हैं. ठीक है, तो ये सब कर लोगे आप. प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन, प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन मतलब हु प्रिस्क्राइब्स. अब सीए बनना है तो ICAI, सीएस बनना है तो ICSI, डॉक्टर बनना है तो MCI. ठीक है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे. प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन ये सब बताते हैं. ICAI इज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, जितने भी सीए बनते हैं इनके यहां पर मेंबरशिप लेना पड़ता है. ठीक है जी. सो प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन एंड हैव पास्ड द स्पेसिफाइड एग्जामिनेशंस. अपने बोलते हैं ना प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहा हूं मैं. ठीक है जी. अभी आप लोग क्लास 9 के स्टूडेंट हो, आगे चलकर क्योंकि आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आगे चल के हो सकता है आप भी चाहो तो लॉयर बन सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, MBA करने जा सकते हो. चलिए आगे देखते हैं. प्रोफेशनल एसोसिएशन. एवरी प्रोफेशन हैज इट्स ओन एसोसिएशन. अ प्रोफेशनल एसोसिएशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब पता क्या होता है, ये लॉ, इंडिया का जो पार्लियामेंट है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनता है. ठीक है, इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इट्स मेंबरशिप इज एसेंशियल. द एसोसिएशन रेगुलेट्स एंट्री इन द प्रोफेशन. ठीक है, ये तो अपने को पता है, हर कोई तो नहीं बन सकता है. ग्रांट्स सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, फॉर्मुलेट्स एंड एनफोर्सेस कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, मैं कोशिश करके आपको मैं अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिखाऊंगा. ठीक है, आई एम अ मेंबर ऑफ ICSI. ठीक है, ये कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन जो है, मैं इसका मेंबर हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है दोस्तों, सो ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं, मैं आपको और दिखाने का कोशिश करूँगा बाद में. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं. ठीक है, नेम्स ऑफ वेरियस प्रोफेशंस एंड देयर रिस्पेक्टिव एसोसिएशंस आर गिवन बिलो. चलिए, बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं,
उनका नाम देखते हैं, मेडिकल प्रोफेशन, प्रोफेशनल को क्या कहलाते हैं वो, डॉक्टर्स, और एसोसिएशन कहाँ से होता है इनका, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर आपको लॉयर बनना है तो लॉ का प्रोफेशन, यू विल बी कॉल्ड लॉयर्स, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अकाउंटिंग प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन, कंपनी सेक्रेटरीज, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशन, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंजीनियरिंग प्रोफेशन, इंजीनियर्स, द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। सो मेरे ख्याल से अब आपको एकदम क्लियर हो गया है। अब ये जितने भी प्रोफेशन वाले होते हैं ना, इनके बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो चार पॉइंट पढ़ा हमने। चार पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, फॉर्मल ट्रेनिंग, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, और दो पॉइंट और है, सर्विस मोटिव। प्रोफेशनल्स आर एक्सपेक्टेड टू एम्फसाइज सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स रादर देन इकोनॉमिक गेन। ठीक है, सर्विस मोटिव होना चाहिए। अब डॉक्टर जो है अगर सारा दिन सिर्फ धंधा नहीं कर सकता है, ठीक है, उसका फी चार्ज करता है, ठीक है, बट बेसिकली डॉक्टर एक सेवा भाव से डॉक्टर है। कोड ऑफ कंडक्ट, द एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोफेशनल आर रेगुलेटेड बाय अ फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट। द कोड इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ विच ही इज अ मेंबर। तो डॉक्टर कहाँ का मेंबर होता है दोस्तों, डॉक्टर होता है MCI का मेंबर, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये सब सारे डिटेल्स अभी जस्ट हमने आपको यहाँ पर पढ़ाया है। चलो अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट का। तो बिजनेस का बात हो गया, प्रोफेशंस का बात हो गया, अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेर पीपल वर्क फॉर अदर्स इन एक्सचेंज फॉर सम रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, पैसा। द पर्सन हु वर्क फॉर अदर्स आर कॉल्ड एम्प्लॉयज। द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विच एंगेज अदर्स टू वर्क फॉर देम आर कॉल्ड एम्प्लॉयर्स। तो मेरे ख्याल से इसमें समझाने का कुछ नहीं है। द रेम्यूनरेशन गिवन बाई एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय इज नोन एज वेज और सैलरी। इसमें भी कुछ समझाने का नहीं है, ठीक है। फैक्ट्री वाले को वेज बोलते हैं और ऑफिस वाले को सैलरी बोलते हैं, ठीक है। द एम्प्लॉय परफॉर्म्स द वर्क असाइंड बाय हिम, असाइंड टू हिम बाय हिज एम्प्लॉयर एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है, ऑफिस इतना बजे आना है, सैटरडे आना है, हाफ डे लीव, ये जो भी इनका टर्म्स एंड कंडीशन है, तुमको यही काम करना है, इसको रिपोर्टिंग करना है। देयर इज एन ओरल और रिटन अग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ओरल भी हो सकता है, बातों से हो सकता है, या एकदम राइटिंग में हो सकता है। द एम्प्लॉय एक्ट्स अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ हिज एम्प्लॉयर। द एम्प्लॉयर मे बी अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग और अ प्राइवेट फर्म, ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या प्राइवेट फर्म। एम्प्लॉयमेंट दस इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ जॉब्स इन गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ठीक है। अगर आपके पापा बिजनेसमैन हैं, उनके ऑफिस में कोई काम कर रहा है, तो वो प्राइवेट एंटरप्राइज हो गया। व्हेन अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन वर्क्स एज एन एम्प्लॉय, जैसे हमने बताया था ना, एक डॉक्टर है, बट डॉक्टर इज वर्किंग एज एन एम्प्लॉय हो सकता है, ठीक है। He is also said to be in an employment. For example, doctor may be employed in a hospital. A chartered accountant may be working as an accountant in a company. And a lawyer may serve as a law officer in a bank. तो ये सब भी मुमकिन है, मतलब professional लोग भी employ हो सकते हैं। So various examples of employment are as follows. A teacher teaching in a school or college, an engineer employed in Municipal Corporation of India, an accountant working in the accounts department of a company, a person working as a plant manager of a factory,
a nurse or doctor working in a hospital. अब इम्पॉर्टेंट है डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. मोर ऑर लेस तो आपको समझ में आ चुका है, ठीक है, बट यहाँ पर अपने पास लगभग 9 पॉइंट्स है, ठीक है, डिस्टिंक्शन के. ये 9 के 9 पॉइंट्स अपने पास, यहाँ पर 11 पॉइंट्स है. डिस्टिंक्शन को अगर हम लोग यहाँ से स्किप कर दें दोस्तों, ठीक है, इसको हम स्किप कर रहे हैं और मैं इसको रीड कर ले रहा हूँ. यह एक काम करता हूँ, ये आप रीड कर लीजिएगा, मैं इसको रीडिंग कर देता हूँ. मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, भाई बिजनेस कैसे एस्टैब्लिश होता है, प्रोफेशनल कैसे एस्टैब्लिश होता है, या प्रोफेशन कैसे बनता है, तुम प्रोफेशनल कैसे बनते हो, और एम्प्लॉयमेंट में हम कैसे आते हैं. तो बिजनेस का अगर पहले बात करें हम, अ बिजनेस एंटरप्राइज इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर मतलब जो इंसान बिजनेस करने के लिए रिस्क लेता है, पैसे लगाता है, ठीक है, बिजनेसमैन को भी एक अच्छा भाषा में एंटरप्रेन्योर कह रहे हैं, ठीक है, टेक्स अ डिसीजन टू कैरी ऑन सम बिजनेस एक्टिविटी, सम बिजनेस एक्टिविटी, कुछ भी बिजनेस करना है मेरे को. इन अ प्रोफेशन ऑन द अदर हैंड द मेंबरशिप और एनरोलमेंट ऑफ अ रिकग्नाइज प्रोफेशनल एसोसिएशन, जब तक मेरे को मेंबरशिप नहीं मिलता है उस इंस्टीट्यूट का, जैसे अगर मैं मेंबर हूँ ICSI का, तो मेंबरशिप फीस लेते हैं मेरे से, सालाना फीस लेते हैं, ठीक है, और मेरे को बोलते हैं कि भाई तुम अगर जैसे क्लब का मेंबरशिप लेते हैं तो क्लब का रूल्स फॉलो करना पड़ता है ना भैया, तो वैसे यहाँ मेंबरशिप लेने के लिए यहाँ का रूल्स फॉलो करना पड़ता है, और यहाँ के रूल्स को बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, और जो भी प्रिस्क्राइब फीस वगैरह देना पड़ता है देते हैं, ठीक है. तो प्रोफेशनल कैसे बनता है वहाँ का मेंबरशिप लेने के बाद, ठीक है, प्रोफेशनल एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन इज एसेंशियल, एसेंशियल मतलब एकदम ज़रूरी है. इन ऑर्डर टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट, किसी के यहाँ जॉब करना है, अ पर्सन हैज़ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक अग्रीमेंट लिखा पढ़ी में कि चलो ये तुम सर्विस करोगे आके, यू नीड टू सर्व मी, ठीक है, और यू नीड टू सर्व द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नेचर ऑफ वर्क, अब बिजनेस में क्या नेचर होता है, बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्शन सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोफेशन में प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज सर्विस, एम्प्लॉयमेंट में तो भैया वही काम करो जो एम्प्लॉयर ने असाइन कर रखा है. अच्छा, बिजनेस का में मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, प्रोफेशन में होता है टू रेंडर सर्विस फॉर इकोनॉमिक गेन्स, और एम्प्लॉयमेंट में टू अर्न वेजेस और सैलरी. मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होता है, बिजनेसमैन बिना क्वालिफिकेशन के भी धंधा कर सकता है, बट प्रोफेशन में तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड डिपेंडिंग अपॉन द जॉब. अब जैसा जॉब वैसा क्वालिफिकेशन, या जैसा क्वालिफिकेशन वैसा जॉब. स्टेटस क्या है, अब बिजनेसमैन वर्क फॉर हिमसेल्फ एंड इज हिज ओन मास्टर, खुद का बॉस. अ प्रोफेशनल वर्क्स अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब्ड. An employee works for his employer and has to follow the instruction of his master. Reward या return क्या मिलता है, profit मिलता है इसको, यहाँ पर fee मिलता है, और यहाँ wage and salary मिलता है, जो regular भी हो सकता है, fixed भी हो सकता है. Risk क्या है, high risk है, businessman high risk, या negligible risk है, यहाँ तो कोई risk है ही नहीं, अपने को तो आना है, office खुला हुआ है, बस बैठना, काम करना है. कई बार तो ऐसा भी तो काम नहीं भी करते, तो attendance लग गया तो पैसा मिल जाता है. इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बिजनेस में अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है, ठीक है, कैसा बिजनेस करना है, किस साइज़ का बिजनेस करना है, या लिमिटेड कैपिटल, सिर्फ एक ऑफिस बनाने के लिए जितना पैसा चाहिए, नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड. एडवर्टाइजिंग का बात करें तो एडवर्टाइजिंग इज यूजुअली नेसेसरी, एडवर्टाइजमेंट इज प्रोहिबिटेड बाई प्रोफेशनल बॉडी. ये जितने भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते, ठीक है, आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, नहीं नहीं नहीं, नहीं. नो एडवर्टाइजमेंट इज नेसेसरी एट ऑल. अब एम्प्लॉयमेंट में आप क्या एडवर्टाइजमेंट करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी, जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा बिजनेस अच्छा, क्वालिटी ऑफ सर्विस इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट्स खुश है,
प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क इज परफॉर्म्ड। भाई अगर कोई एम्प्लॉई है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है, प्रोडक्टिविटी कर रहा है तो अच्छा है, नहीं कर रहा तो भाई बहुत ख़राब है। रेगुलेशन, बिजनेस को गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, इनको प्रोफेशनल्स के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। गवर्न्ड बाय द रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस ऑफ द प्रोफेशन, गवर्न्ड बाय द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप ऑफ बिजनेस कैन बी ट्रांसफर्ड। अब एक बात बताओ, मैं डॉक्टर हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि भैया मेरा भाई डॉक्टर बन जाए। ए भाई एक काम कर, तू मेरा भाई है ना, ये ले तो आज से ना तू डॉक्टर। क्या होता है? ऐसा नहीं हो सकता एंड ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये बस एक लास्ट पैराग्राफ पढ़ देते हैं। इन स्पाइट ऑफ द अबव डिफरेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देर इज अ क्लोज्ड इंटर रिलेशन बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड सर्विस। अ लार्ज बिजनेस एंटरप्राइज employs a large number of persons in order to achieve its objectives. It also requires the services of professional experts such as chartered accountants, lawyers, architects, cost accountants, etc. Modern business has become very complex. Trained and experienced managers and other experts are required for efficient business operations. Professionals and other employees provide the necessary manpower of efficient running of business concerns. Thus, business, profession and employment are complementary to one another. एक दूसरे का सहारा है, एक दूसरे का दरकार है। ठीक है, ये सब मेरे ख्याल से क्वेश्चन बैंक वगैरह आप लोग सेल्फ रीड करोगे। ठीक है, प्लीज कर लेना, कोई इसमें हाथी घोड़ा नहीं है। समरी आप लोग पढ़ लोगे, ये हमने पढ़ दिया आपके लिए। एक्सरसाइजेस, ये आपका है होमवर्क। ठीक है, होमवर्क करके आप मेल कर सकते हैं bacaclasses@gmail.com या आपका LMS में आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए तो ये चैप्टर खत्म करते हैं। नेक्स्ट, आज का क्लास लगभग 20 मिनट में खत्म हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कोशिश वही कर रहे हैं 30 मिनट्स तक का ही आपको पढ़ाना है, ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, हल्का हल्का मैक्सिमम 30 मिनट तक पढ़ना है। और उसी हिसाब से आप आराम से डेली एक लेक्चर पढ़िए और 25 से 30 मिनट पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। सो लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। Thank you.
है।